आज 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है। देश के शिक्षा मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर कई बोर्डों से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, जिनमें से राजस्थान बोर्ड की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यूपी बोर्ड से भी दो नए आदेश जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड बोर्ड से एक नई खबर आ चुकी है और झारखंड बोर्ड की भी एक नई खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड की भी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना टाइम टेबल अपडेट कर दिया है। सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022-23 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म में करेक्शन करने का एक और मौका दे दिया है। जिन छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में रजिस्ट्रेशन किया था, वह फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर फॉर्म करेक्शन का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है छात्रों को। जी हां मित्रों, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर से होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर इस योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। यह वितरण विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की, तो दोस्तों आरबीएससी 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड इस साल पूरे पाठ्यक्रम पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। पिछले साल परीक्षाएं कम पाठ्यक्रम पर आयोजित करी थी। आरबीएससी आधिकारिक वेबसाइट rajedubord.rajasthan.gov.in पर जारी अधिसूचना में कहा गया है, 2022 में परीक्षा के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती को रद्द करके 2023 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के सभी विषयों में 100% पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने बोर्ड का नाम जरूर लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की, तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की आदिवासी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। टाइम टेबल के अनुसार 1 से 7 दिसंबर तक आदिवासी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोस्तों झारखंड बोर्ड ने मार्च में एग्जाम कराने का फैसला लिया है। बात करते हैं दोस्तों सीबीएसई की, तो सीबीएसई बोर्ड न्यूज से पता चलता है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 की समय सारणी दिसंबर के अंत तक जारी होने की उम्मीद है और लिखित परीक्षा अस्थायी रूप से 15 फरवरी से शुरू होगी और बोर्ड 1 जनवरी से व्यवहारिक परीक्षा भी शुरू कर देगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के नमूना प्रश्न पत्र और बोर्ड के लिए अंकन योजना परीक्षा 2023 आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।